वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स अज आप एक्सरसाइज 11.3 दे MCQ करांगे। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस बेटा मैं अपने पहले वाले वीडियो विच अपलोड कर चुकी हाँ, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन बेटा ध्यान ना सुनना इन माई फर्स्ट वीडियो, ताकि तुहानू सारे क्वेश्चन चंगी तरह क्लीयर हो जाए, ठीक है जी। चलो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने कोल, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले चक्कर का घेरा है, सर्कुफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर अपन गिवन है बेटा, वह अपने की फाइंड आउट करना है, सर्कुफ्रेंस घेरा, ठीक है जी। फर्स्ट है बेटा अपने कोल, इसे देखो डायमीटर डी कि अपने कोल 10 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस कितना आ जाऊगा, अर्धव्यास 10/2 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सर्कुफ्रेंस मैं सीना शो करता घेरे नू, की फार्मूला हुंदा जी 2πr, इस वैल्यूज पुट कर दो, 2 × π 3.14 ले ली बेटा मैंने, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाए, आर कितना अपने कोल 5, 2 नू 5 ना किता बेटा 10 × 3.14 किन्ना आ गया 3140, राइट साइड तो 1 डिजिट बाद बेटा पॉइंट सेंटीमीटर, मीनस 314 सेंटीमीटर। केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी, सी ऑप्शन, क्लीयर हो गया जी। तो अपना आंसर आ गया बेटा जी ये सी ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट देखो, सर्कुफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, देखो बेटा हूँ अपन रेडियस किन्ना गिवन आ 14 सेंटीमीटर, घेरा आप ने फाइंड आउट करना है, ये भी ईजी है बेटा। देखो रेडियस है अपने कोल 14 सेंटीमीटर, सर्कुफ्रेंस मीनस घेरा, की फार्मूला हों जी 2πr, ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दो, 2 × π 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, पर मैं 22/7 लूँगी बेटा। रीज़न की है, क्योंकि रेडियस अपने कोल 14 आ, जो 7 दे टेबल ते कैंसल आउट हो जूगा, ठीक है। 2 × 2 ना किता बेटा 4 × 22 किन्ना आ गया अपने कोल 88 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो केड़ी ऑप्शन आऊगी बेटा जी, ए ऑप्शन, क्लीयर हो गया जी। नैक्सट है अपने कोल, वट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, देखो बेटा जो रेडियस गिवन आपू 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड आउट करना, एरिया मीनस खेत्रफल इना शो करांगे, की फार्मूला हुंदा जी πr², ठीक है जी, π 22/7, आर किन्ना 7 बेटा 7 × 7, 7 × 7 कैंसल आउट हो गया, 22 × 7 मल्टीप्लाई करो किन्ना आ गया 154 सेंटीमीटर². तो केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी, सी ऑप्शन, क्लीयर हो गया जी। अपना आंसर आ गया जी सी ऑप्शन। नैक्सट है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हूज एरिया इज 154 सेंटीमीटर², चक्कर का व्यास अपने पता करना है, जिदा खेत्रफल किन्ना अपने को बेटा 154 सेंटीमीटर². देखो एरिया ऑफ सर्कल किन्ना अपने कोल 154 सेंटीमीटर², एरिया का फार्मूला की होंगे बेटा जी πr² कि बराबर आ गया 154 दे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 × r² इज इक्वल टू 154, तो बेटा अपने कोल r² किन्ना आ गया 154, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 × 7 = 154, 7 × 7 = 49, तो बेटा r² 49 की स्केयर आ जी 7 का, ठीक है। पावर सेम ने तो बेस इक्वल होंगे, आर कि आ गया अपने को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने की कटना सी डायमीटर व्यास, व्यास की होंगे बेटा रेडियस का डबल दुगना, 2 × 7 किन्ना जो अपने कोल 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मीनस डायमीटर व्यास किन्ना आ गया अपने कोल 14 सेंटीमीटर,
देखो केड़ी ऑप्शन है बेटा, है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए सर्कल हैज एरिया 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। कोई चक्कर आ ओदा क्षेत्रफल दूसरे सर्कल के क्षेत्रफल का 100 गुना है। वट इज़ द रेशो ऑफ देयर सर्कुफ्रेंस, उन्हां दे मतलब मतलब घेरिया विचकार जिहड़ा अनुपात आ वह अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है जी, देखो बेटा ये विच है अपने कोल एक सर्कल का एरिया, आप ए वन का नाम दे लैने, दूजे सर्कल का एरिए नालों की आ 100 टाइम्स 100 गुना, दूजे नूं आपां ए टू का नाम दे लैने, मीनस ए वन 100 टाइम्स है बेटा ए टू का। ए वन का फॉर्म लगा लो, फस्ट सर्कल के रेडियस आप आर वन लिख लेंगे, पाई आर वन का स्क्वायर। सैकेंड सर्कल के रेडियस आप आर टू ना लिख लेंगे, पाई आर टू का स्क्वायर। पाई ना पाई बेटा कैंसल आउट होगी, अपने को आ गया आर वन का स्क्वायर, आर टू बटियां च लै जाओ, आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, हुण देखो इहदा मतलब आर वन बाय आर टू, ठीक है, दोनों दे स्क्वायर किहदे बराबर ने, 100 किहदा स्क्वायर है बेटा 10 का, इहनू लिख सकते हैं 10 बाय 1 का होल स्क्वायर। इहनू भी इकट्ठा करके लिख सकते बेटा आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर, किहदे बराबर होएगा 10 बाय 1 का होल स्क्वायर। पावर सेम ने, तो बेस की होंगे इक्वल, इट इंप्लाई आर वन बाय आर टू कि बराबर आ गया बेटा जी 10 बाय 1। ठीक है जी, आप रेशो करनी है दोनों के सर्कुफ्रेंस मीनस घेरिया विचकार, सी वन बाय सी टू। सी वन फस्ट चक्कर का घेरा 2 पाई आर वन फॉर्म लगाता जी, सैकेंड सर्कल का घेरा 2 पाई आर टू, 2 पाई ना 2 पाई कैंसल आउट हो गया, आर वन बाय आर टू कि अपने को 10 बाय 1। ठीक है जी, तो घेरिया विचकार रेशो कि आ गई 10 रेशो 1। ठीक है जी, देखो केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी, ये ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा क्वेश्चन ये, सो ओवर आंसर इज ऑप्शन ए। नैक्सट देखो, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 9.8 सेंटीमीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स एरिया, एदा एरिया अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा जी, चलो आप एरिया दा फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल कि 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, तो बेटा यदा रेडियस आर कि बन जूगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2 कि बन गया 4.9 सेंटीमीटर। एदा एरिया फॉर्म लगा दो पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22 बाय 7, आर कि अपने को 4.9 मीनस 49 बाय 10 इंटू 49 बाय 10। ठीक है जी, 7 7 ज़ा 49, देखो 22 नू 7 ना मल्टीप्लाई किया 154 इंटू 40, 10 इंटू 10 100। ठीक है जी, इनू बेटा मल्टीप्लाई करो, सॉरी बेटा इतने भी किन्ना सी अपने कोल 49, ठीक है, 154 नू 49 ना मल्टीप्लाई करो 7546 डिवाइडेड बाय 100, राइट साइड तो 2 डिजिट वाला पॉइंट मीन 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो केड़ा सर्कल केड़ा आंसर आ गया बेटा अपने कोल, फर्स्ट ऑप्शन 75.46, इट्स ऑप्शन ए। अपना आंसर आ गया बेटा जी ए ऑप्शन। क्लीयर हो गए बेटा क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना, जिहड़े बच्चे ने इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया बेटा सबसक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स बेटा।